लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। डे थ्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएशन ले रहे हैं जो बर्न के ऊपर है, बट फुल बर्न में वेरिएशन है फ्रंट से लेके बैक तक। तो यहाँ से मिडल पार्ट, आप ये साइड पार्टिंग में भी कर सकते हो, माउंट टिका डालना है तो मिडल पार्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टीशन, ठीक है, यहां से ये पार्टीशन को अलग करेंगे, फिर पफ के बालों को अलग करना है। पफ पार्टीशन अलग करना है। पफ का पार्टीशन कहां से? वन है, तो वन के लिए पार्टीशन यहां से, यहां से हम अलग करेंगे टोटली। अभी नॉर्मली हम क्या करते थे, कोनी बना देते थे नीचे के बालों का। अभी इसमें हम कोनी नहीं क्रिएट करेंगे। ये जो भी बाल है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों को वेरिएशन के लिए यूज करना है। बट कैसे, ऑलवेज हम स्ट्रेट करते थे तो कोनी बना देते थे, बट आज हम स्लीपिंग लाइन में करने वाले हैं वेरिएशन। तो हमें ये बालों को ऐसे स्लाइड साइड में साइड में करो, स्ट्रेट डायरेक्शन एकदम, और यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। स्ट्रेट पिन से लॉक करना है, बड़ी वाली बॉबी पिन लो, लॉकिंग सिस्टम नीचे से फर्स्ट, फिर वैसे ही एक यहां से एक यहां से, तो एक यहां से हाफ और आधे से स्टार्ट करने का। कभी भी लॉक हो गए हैं तो ये बाल अभी हम क्रॉस में ले सकते हैं। सेम ऑन अनदर साइड इसको भी ऐसे ही करेंगे, टाइट पकड़ के रखो। फिनिशिंग नहीं है तो हम हार्ड स्प्रे से इसको लॉक करेंगे। अगेन बिगर साइज बॉबी पिन लो ताकि जगह, यहाँ पे जितना गैप है अराउंड फोर फिंगर, तो यहाँ पे भी आपका फोर फिंगर का गैप होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, और चाहिए तो आप लॉक करने के लिए आप इसको ऊपर से भी ले सकते हो, दो एक दो नीचे से एक से, डिश में लो। इधर से हो गया हमारा ये दोनों साइड से लॉक। अभी इसका पफ बनाएंगे और जो बाल बचेंगे उसका स्टफिंग यहाँ पे बनाएंगे। अगर स्टफिंग यहाँ पे बाल बहुत ही छोटे हैं तो ये साइड आप एक्सटेंशन लगा के भी कर सकते हो, या तो छोटे हैं तो आप यहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सटेंशन आता है वो लगा सकते हो, ठीक है। अभी आज विदाउट स्टफिंग पफ क्रिएट करेंगे बैक कॉमिंग से। सबसे पहले टैंगल फ्री करो। सबसे पहला पार्ट यहां से फोर फिंगर स्ट्रेट एकदम ऊपर से, यहां से और यहां से फोर फिंगर लेना है और बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग कैसे, आगे की तरफ और डीप बैक कॉमिंग। हार्ड स्प्रे करो और आगे छोड़ दो। अगेन यहां से सेकेंड पार्ट ऊपर लो, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से आपको आगे 180 डिग्री पे लेके जाना है और बैक कॉमिंग। जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे आना है, तो एक रूट आपका अच्छा खासा बैक कॉमिंग से होगा। जितना बड़ा पफ चाहिए उतना ऊपर तक आप बैक कॉमिंग लेके जाओ। ये हमारा बेस है, इस पे आप ऊपर नीचे दोनों साइड भी कर सकते हो।
ये हो गया हमारा पफ रेडी। बैक कॉमिंग कर, बैक कॉमिंग ये पार्टीशन से करोगे तो पफ एकदम अच्छे से बनेगा। अभी इसको स्प्रेडिंग करते करते हमें एक एक सेक्शन को नीचे लेना है। स्प्रेड करो अच्छे से, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना। और ये वाला जो मिडल पार्ट था उसको अच्छे से पूरा स्प्रेड करो। पूरा हेयर पकड़ के वॉल्यूम देखो बैक कॉमिंग से। शाइन स्प्रे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको पिन करेंगे एग्जैक्ट ऊपर बॉबी पिन से। इसको लॉक करना है, यू पिन से लॉक नहीं होगा, ये बॉबी पिन से ही कंपलसरी लॉक करेंगे इसको। यू पिन से कब होता है, जब नीचे रूट होता है, पोनी वगैरह होती है, तो ये कंपलसरी आपका पिनिंग लॉक बॉबी पिन से होगा। अभी हमारा मेन पार्ट है वेरिएशन का, ये बेसिक पार्ट हुआ हमारा हेयर स्टाइल का। अभी ये मेरे पास एक्स्ट्रा हेयर है तो मैं इसका ही बेस से स्टफिंग क्रिएट करूंगी, एक बन बनाऊंगी। बट बन कैसा होगा, राउंड शेप का बन नहीं होगा, जितना मेरा साइज है, ये साइज दिख रहा है, बस उतना ही बेस बनाना है हमें। तो ये बन होगा हमारा ओवल शेप का, ऐसा ओवल, सीधा ओवल नहीं, ऐसे ओवल। तो पहले हम इस तरह एक कैसे बन बनाते हैं पता है ना, यहाँ से ऐसे पकड़ना है और ये बैक कॉम, ये ऐसे ऐसे ऐसे, जितने बाल है उसको ही बैक कॉमिंग करो। यहाँ पे अच्छे से एक बैक कॉमिंग रेडी है, हार्ड स्प्रे करो। यहाँ पे मेरी एक नेट रेडी है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉबी पिन लगाई ताकि ये नेट को मैं बॉबी पिन के ऊपर कवर करूं और सारे बालों को इसके अंदर। अभी ऑन हेयर है तो हमें जिससे शेप चाहिए हम वैसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ये हमारा बड़ा वाला है इसीलिए मैं इसको डबल कर पा रही हूँ। ये सिर्फ बेस है, हमें इसका बन नहीं बनाना है। देखो अगर मेरे को राउंड चाहिए रहता तो मैं ऐसे ही रखती थी, बट मुझे ओवल शेप चाहिए तो मैं इसको जितना मेरा साइज है ना, सिर्फ मेरे को इसको नीचे बेस चाहिए, इसीलिए मैंने ये एक बेस क्रिएट किया है। अभी हम इसको एज अ बन कैसे लॉक करते हैं, बस वैसे ही यू पिन से एवरी पार्ट। बहुत ज्यादा ऐसे ये बोलते हैं ना वॉल्यूम और मत देना, जितना दबा हुआ रहेगा उतना अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आगे रहेगा ना उतना ही जो भी वेरिएशन करेंगे वो भी आगे आ जाएगा। तो एक सटल बस जितना यूपिन हमें होल्ड करने जगह मिले, बेस हमारी हेयर स्टाइल का वेरिएशन रहे, बस उतना ही। सी अभी हमारा वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ बैक में भी वेरिएशन दे सकते हो, ये जो बाल है उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करके भी वेरिएशन कर सकते हो, फ्रंट नहीं करना है, फ्रंट एकदम सिंपल देना है। तो अगर फ्रंट से वेरिएशन बैक तक लेके जाना है तो भी कर सकते हो, यहाँ से मिडल साइड पार्टीशन ले रही हूँ। यहां तक समझ में आया? ब्लर हो रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है ना? ओके, अभी यहाँ पे
जो मेरा फ्रंट का पार्ट था, ये हम फ्रंट का पार्ट सिर्फ एज अ फ्रंट भी यूज कर सकते हैं, कोई और वेरिएशन में मैं इसमें यूज कर रही हूँ पूरा फ्रंट, फुल हेयर को हम ट्विस्टिंग करेंगे। कैसे ट्विस्ट करना है वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले बॉक्स पार्टिंग लिया मैंने, ये तो हमने सीखा था कि आगे से टर्न करना है। कैसे टर्न करना है एक बार मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर लिया, ये सारे बालों को कैसे लेना है वो देखो, यहाँ से ये पूरा टर्न और ऐसे रोल करना है, ठीक है। यहाँ पे रोल किया, रोल करने के बाद यू पिन और फिर पुलिंग स्टार्ट करना है। अगेन ये बालों का रोल स्टार्ट होगा, ये दोनों को मर्ज करके आगे रोल करेंगे, या आप क्या कर सकते हो दोनों को भी साथ में रोलिंग कर सकते हो। साथ में करना है, एक साथ पकड़ो, फिनिशिंग दो अच्छे से। थोड़ा सा अगर बाउंस चाहिए तो ये जो बेस है वहां पे आप हल्का सा बैक कॉमिंग कर सकते हो, ताकि यहाँ पे बाल कम रहते हैं ना जनरली, तो वहां पे बेस अच्छा मिले। यहाँ पे पुलिंग टेक्निक करने वाले हैं, शाइन स्प्रे देखो, मैंने पूरे बालों को एक साथ लिया है, फिंगर और पूरा टर्न, फिर आगे टर्न आएगा तभी इसको थोड़ा सा खोल देने का और फिर टर्न लेने का। तो यहाँ पे बीच में टाइटनेस नहीं आएगी आपकी हेयर स्टाइल में, ये टर्निंग टर्निंग जितने बड़े बाल रहेंगे ना उतना ज्यादा लुक अच्छा आएगा। अगर छोटे हैं तो फ्रंट का वेरिएशन यहीं पे एंड कर दो और सिर्फ बैक के बालों को वेरिएशन में दिखाओ। भी यहाँ पे मेरे पास बड़े बाल है तो मैंने पूरे बालों को यूज किया है, यहाँ पे यू पिन किया। अभी एक 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 सेक्शन को हम पुल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, वन टू, जैसे जैसे पुलिंग करते हैं वैसे वैसे यू पिन लगाते जाओ। कभी भी यहां से पूरा सेक्शन लो, मिडल में आके उसको पुल आउट करो। यहां से कंटिन्यूएशन होना चाहिए पुलिंग में, एक के बाद एक कंटिन्यू पुलिंग। यहां तक तो हुआ, अभी ये जो पार्ट है उसको भी पुल करना है अच्छे से। सी दिख रहे टर्निंग टर्निंग, पिन से होल्ड करना है और हार्ड स्प्रे। वन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट यहां से लेंगे तो दूसरा पार्ट दूसरी साइड से लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी खींच लेंगे ताकि अच्छे से एक एक सेक्शन दिख किया है। देखो हल्का हल्का ऊपर पुल किया है मैंने ताकि सेक्शन और अच्छे से बड़े दिखे। इसको पूरा इसको हट स्प्रे, अभी ये ऊपर है नीचे चाहिए फ्रंट का पार्ट, तो इसको डाउन करके थोड़ा सा ऐसे
डाउन ले सकते हैं, वो हमारे पे ऊपर है, नीचे रखना है ऊपर रखना है, फेस के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट भी अगर अच्छा खासा डाउन चाहिए, खींच लेने का नीचे की तरफ, यूपिन कर देने की, ताकि ये देखो नीचे स्लांट हो गया। फर्स्ट पार्ट। अभी एक सेक्शन यहाँ से लिया, दूसरा सेक्शन, अभी ये वाला फ्रंट है, टोटली ऑप्शनल है, ये वाला फ्रंट आपको लेना है तो लेना है, ले सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ पे होल्ड करके इसको भी पहले ही अंदर डाल दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं करना है ये, तो ये प्लेन पार्ट लेके आप यहाँ पे पिन करके इसको यहीं पे बांध दो बालों को, बट अगर करना है तो यहाँ से भी वही सेम कर सकते। तो क्या होगा, ये एक दो हो गया और इसका हम एक एक ही कर सकते, वरना क्या करना पड़ेगा, इसका दो दो करना पड़ेगा। अभी यहां से सेम पार्ट अच्छे से लो, शाइन स्प्रे, इसको भी सेम ऐसे ही टर्निंग, एकदम लूज टर्निंग करना, ऐसे टाइट टर्निंग करोगे तो ये देखो गैपिंग आ जाएगा, एकदम लूज टर्निंग रहेगा तो आपका पुलिंग भी अच्छा होगा। अगर रियल हेयर पे नहीं भी होता है ना, तो क्या करना है आपको, नो क्रिया, एक 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 लेना है, पुल करो और फिर टर्न करते जाओ, 1 2 3 4, अगेन ट्विस्ट करो, 5, अगेन ट्विस्ट करो, 6, ऐसे ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग कर करके भी आप ले सकते हो, या एक साथ ट्विस्ट कर लो अच्छे से पूरा। कहाँ तक रखना है, बस यहीं तक जो है यहीं तक इसका लॉकिंग रहेगा। अगेन इसको भी हम वही पुलिंग करेंगे, 1, ये दो फिंगर मैं पहले पकड़ रही हूँ जहां पे मुझे पुल करना है, ये दो फिंगर के बीच में जितने भी है इजीली उसको पुल कर रही हूँ। देखो सेक्शन एकदम अच्छे से निकल के आएंगे, जहां पे भी आपको पुलिंग करना है, ये एरिया आपको पुल करना है, यहाँ से पकड़ो पुल करो, समझा कैसे लेना है। सबको पुल करना है, अच्छे से पुल करो और एक एक सेक्शन में यूपिन डालो। यूपिन डालने से कैसे वो सेक्शन अच्छे से डिफाइन होगा, और उस पर हार्ड स्प्रे कर दो। यहाँ पे पहले हार्ड स्प्रे कर देते, एक एक सेक्शन पे हार्ड स्प्रे करो अच्छे से। एक साथ पूरे सेक्शन पे हार्ड स्प्रे नहीं करना है, एक 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 सेक्शन पे हार्ड स्प्रे करो। यहाँ से अभी एस फॉर्म क्रिएट होगा हमारा,
दिख रहा है, एक एक सेक्शन अच्छे से। यहाँ पे जो गैपिंग है इसको हम ऐसे ऊपर लेके यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर हमारा ब्रश तो वहाँ पे आने ही वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये करना है तो भी आप कर सकते हो विदाउट ब्रश, जब जैसे छोटे छोटे बीड्स डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। बहुत बड़ा नहीं करना है तो छोटे छोटे बीड्स का भी ऑप्शन है। यहाँ से जब आते हैं जो पीछे की साइड तो हल्का सा यहाँ पे ऊपर की साइड ले लो ताकि एस फॉर्म बने। एक यहाँ पे डालो और चाहिए तो एक ऐसे ऊपर की साइड डालो, या तो फिर उसको ऐसे टर्न करो। सी नीचे से ऊपर तक का प्रेस, अगेन यहाँ पे नीचे और ये ऊपर। सिर्फ अगर आगे प्लेन रखना है ना तो सिर्फ पीछे का 1 और 2 में भी काम कर सकते हो, तो वो भी फटाफट हो जाएगा आपका। 2 पार्ट करना है तो ये मैंने 4 पार्ट का दिखाया, आप 2 पार्ट भी कर सकते हो। वैसे दिख रहा है सेक्शन, एक मैं डाउन ले रही हूँ सेक्शन, फिर अप ले रही हूँ, डाउन अप। तो ये मेरा डाउन हुआ, अभी यही पार्टीशन को मैं ऊपर लेके थोड़ा सा पुल कर रही हूँ और यूपिन का डायरेक्शन अपवर्ड, तो सेक्शन और अच्छे से यहाँ पे डाल के ये सेक्शन और क्लियरली दिखाई देगा। डाउन अप हुआ, दो पार्ट कंप्लीट हुए पीछे से। सबके डायरेक्शन एक जैसे होने चाहिए, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अभी फर्स्ट यहां से, सेकेंड यहां से, थर्ड और फोर्थ। अभी हम 2 पार्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 आगे के फ्रंट सेक्शन ले लिए है ना, और मेरी जगह अभी कवर करने के लिए इतना ही। अभी इसका 2 करूंगी तो टोटल 6 पार्ट हो जाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगी हमारी हेयर स्टाइल, तो हम इसका सिर्फ एक ही पार्ट में करेंगे। तू अच्छा ड्राइंग बना, हम आंटी को दिखाएंगे तेरा ड्राइंग। यहाँ पे अगेन यहाँ से टर्न 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 टर्न, यहाँ पे पिन किया, पूरा सेक्शन ओपन करना है हमें। स्टार्ट फ्रॉम हियर फर्स्ट सेक्शन ऊपर ले लेंगे और फिर अच्छे से देखो डिफाइन हुआ। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, अगेन डाउन डाउन अप। समझा आपको? आप स्टार्ट करो, चाहिए तो देखना है।
दिखना है तो दिखो, तो वो स्टार्ट करो। डम थर्ड सेक्शन हर नाप यहां से हम लेंगे फोर्थ सेक्शन। यस इसके बीच में इसको लॉक करने के लिए पिन डाल दो, यू पिन में, तो ये निकल जाएगा। हटना यहाँ पे बॉबी पिन लॉकिंग करने के लिए। अभी ये यहां से लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? Now the section from this side. यहाँ से clear section लेंगे। डाउन अप डाउन अप ऐसे ही यू पिन डालना है। कभी भी डायरेक्शन से दो, एक नीचे एक ऊपर, नीचे ऊपर, और उसको प्रेस कर दो। ये बचे हुए बालों को टर्न करके नीचे की साइड में लॉक कर दो। सी द फुल वेरिएशन। देख देख ये देख ऐसा।
मैं एसेसरी कैसी एसेसरी आप प्लेस कर सकते हो। अभी मेरे को यहाँ पे भी जगह है, या तो फिर बीच बीच में जहाँ पे आपको करना होगा। ऐसे भी बीट्स आते हैं, सो हम वो भी लगा सकते हैं बीच बीच में, लाइक ऐसे कहीं पे, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये प्लेस करना है। क्लियर फुल, आगे से फ्रंट साइड से पूरा स्प्रेड करते बैक साइड। कौन से लुक पे दे सकते हैं, या वेस्टर्न लुक पे भी दे सकते हो, ट्रेडिशनल लुक पे भी दे सकते हो, दोनों पे क्रिएट कर सकते हो। ट्रेडिशनल एज अ ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, वेस्टर्न भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ये और ये सिर्फ दो ही पार्टीशन भी दिखाना है तो भी दिखा सकते हो, या मैंने फ्रंट से लिया है तो मेरा चार पार्टीशन हो गया, तो आप चार में भी कर सकते हो इसको। क्विक वर्क करना है तो दो ही पार्टीशन करो, थोड़ा अच्छे से अगर ये फोर वेरिएशन दिखाने हैं तो आगे पीछे का फ्रंट वेरिएशन भी यूज करो, फ्रंट पार्ट का। ठीक है, चल मूविंग टू नेक्स्ट हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मूविंग टू नेक्स्ट हेयर स्टाइल। पुल के लिए फोर फिंगर छोड़े है ना, पफ के लिए यस, मैंने पफ के लिए फोर फिंगर छोड़ा था। अभी मेरमेड स्टाइल हेयर स्टाइल सीखते हैं, जो क्विक में हो सके वैसा।
मिडल पार्ट, फिर ईयर टू ईयर सेक्शन, यहाँ पे भी ईयर टू ईयर सेक्शन, ना अभी ये ओपन का वेरिएशन है मेरमेड स्टाइल, तो देख लो थोड़ा सा देख लो। सो हमारा पफ पार्टीशन कहाँ से होगा, पूरा ओपन है तो अराउंड 2 to 3 फिंगर अप, यहां से हमारा पफ बनेगा, ये हमारा पफ का पार्टीशन। ईयर टू डायरेक्शन नहीं लेना है अभी, ठीक है। और यहां से अभी बेस एक क्रिएट करना है स्टैंडिंग के लिए, स्ट्रेट वेरिएशन है तो स्टैंडिंग के लिए एक बेस चाहिए, तो यहां से अलग करेंगे, थोड़े बाद दोनों साइड से पार्टीशन करेंगे, यहां से यहां से, दोनों साइड से हेयर को अलग करना है, और ये मिडल पार्ट में हम हमारा बेस क्रिएट करेंगे। यहां से भी एक पार्ट को ऊपर जाने देंगे। अभी कैसे स्ट्रेट स्टैंडिंग रखना है तो मैंने कैसे सिखाया था बैक कॉमिंग, आपका बैक कॉमिंग कैसा होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं, ऐसे स्ट्रेट ही रहना चाहिए, बट एक रूट बनना चाहिए। अब ये बेस बना रहे दोनों साइड अप एंड डाउन अच्छे से, लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, बट एक दिख रहा है एक वॉल्यूम हमें मिल गया है। फिर इसको हार्ड स्प्रे करेंगे, दोनों साइड हार्ड स्प्रे करो, ऊपर रखो, ऐसे ही 2 to 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके बेस क्रिएट करेंगे। अगेन वापस से ये बेस क्रिएट करना जरूरी है ऑन हेयर पे भी। वन टू थ्री, हमारा बेस देख, वॉल्यूम भी कर सकते हैं और बेस भी मिल गया अच्छे से, तीनों को साथ में मर्ज कर देंगे। इस पे बहुत सारे वेरिएशन हम मरमेड स्टाइल में कर सकते हैं। फिर अभी और अच्छा बेस बनाने के लिए जो डोनेट होता है राउंड शेप का, उसको ओपन किया है और ये हम लगाएंगे, इसके ऊपर लगा सकते हो या डाउन यहाँ पे नीचे की साइड, या इसके एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे ऐसे सी, तो कैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अगर ये बेस आपका अच्छा नहीं भी होगा तो भी निकल के नहीं आएगा। यहाँ से मिडल में से मैंने लिया, हमारी बिग साइज बॉबी पिन लेनी है और इसको यहाँ पे लॉक कर देना है ताकि ये निकले नहीं, बालों के साथ में इसको अटैच, इसीलिए बैक कॉमिंग किया है ताकि अच्छे से अटैच रहे। ये जो हमने अभी वेरिएशन किया वो यहाँ पे भी कर सकते हो, सेम वेरिएशन, ओपन हो जाएगा वो लुक, ओपन हो जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर, ये मिडल में भी बाल चाहिए ना वेरिएशन के लिए। पहले अभी पफ क्रिएट करेंगे, सेम मिडल पार्ट पहले लेना है पफ बनाने के लिए, 4 फिंगर कप डायरेक्शन, आगे बैक कॉमिंग,